1000 ऑक्सीजन बेड लगाया, चूंकि उन्होंने जगह दिया तो हमने बेड लगाया। जिस तरह जी जी संजीव जी, मैं माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, और ये कहा जा रहा है कि ये भी एक दवाई है कि अगर लॉकडाउन किया जाएगा तो ये केसेस, जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे थे वो कम होंगे। तो लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ा दिया गया है उत्तर प्रदेश। अजित हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है जानकारी के लिए। अजित, ये जो फैसला लिया गया इसमें क्या कुछ निर्देश दिया गया है, ये लॉकडाउन कितना सख्त होगा और इसमें कितनी छूट या गुंजाइश हो सकती है जहां तक रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों का सवाल है? अजित देखिए, बिल्कुल प्रतीक, योगी सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक थी, थोड़ी देर पहले कैबिनेट ने फैसला किया है कि 24 मई तक उत्तर प्रदेश में आंशिक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया, यानी जो लॉकडाउन 17 मई सोमवार सुबह तक था वो अब 24 मई सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। साथ ही सरकार ने एक फैसला और किया कि जो दुकानदार है, रेहड़ी पटरी वाले, फुटकर विक्रेता है, उनको 1000 रुपये महीने का भत्ता दिया जाएगा जिससे उनका जीवन यापन चले, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज है, दवाई सब्जी की दुकानें को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो एपिडेमिक एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रतीक, सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया सभी जिला अधिकारियों को और कप्तानों को कि सख्ती से लॉकडाउन का अनुपालन कराया जाए, अगर कोई नहीं मानता है तो एपिडेमिक एक्ट के तहत चालान किया जाए। शुक्रिया अजित, शुक्रिया अजित, थैंक यू सो मच। सख्ती के साथ इसका पालन होगा, अगर आप बाहर निकलते हैं तो एपिडेमिक एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होती है।